नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वैया ब्रेकिंग और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बिहार के नए डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने आज अपना कार्यभार संभाल लिया। तेजस्वी आज अपने दफ्तर पहुंचे जहां लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। कार्यभार संभालते हुए तेजस्वी ने बिहार का विकास करने का एक बार फिर से अपना वादा दोहराया है। इसके साथ ही उन्होंने भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करने की बात कही है। तो नीतीश कैबिनेट में डिप्टी सीएम के पद पर तेजस्वी यादव आए हैं और उन्होंने अपना पदभार संभाल लिया है। इसके साथ ही उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और लगातार शपथ लेने के बाद से ही जो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि अब बिहार में विकास होगा, बिहार में विकास की बयार बहेगी, उस बात को एक बार फिर से तेजस्वी ने दोहराया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे पार्टी के हैं उनका जो नारा था सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय के साथ, और हम गांव के दौरान हमने कहा था कि हम जो देखना बिहार को मॉडर्न स्टेट देखना चाहते हैं, डेवलप्ड स्टेट देखना चाहते हैं, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बातें हैं खास तौर पे जो हमें जो विभाग मिले हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा ध्यान देने के लिए है। और हम लोगों की कनेक्टिविटी जो हो रोड की हर जगह तक, इसकी कनेक्टिविटी बनी थी नीतीश जी के दौर में जो 10 साल का जो सरकार था, इसमें हम लोग और तेजी लाने का काम करेंगे। हमारा जो प्राथमिकता है वो बिहार का विकास का है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ही जरूरी है। अभी ग्रेटर पटना है, उन चीजों पे भी क्या क्या प्रोजेक्ट जाने, क्योंकि शहर चल रहा है नहीं जाना है, तो हम लोगों के पास टारगेट है। और ये जो जनता ने हमें इतनी बड़ी मैंडेट दी है, ये भोग लगाने के लिए नहीं दी, हमें काम करने के लिए दी गई है, सेवा करने के लिए दी गई है। तो हम सभी लोगों को, पूरे बिहारवासियों को भरोसा दिलाते हैं कि ईमानदारी से, और ये तमाम अधिकारियों को भी हम निर्देश देने का काम करेंगे कि ईमानदारी से अपना काम कीजिए। भ्रष्टाचार हम टॉलरेट नहीं करने का काम करेंगे, जो भी भ्रष्टाचार करेगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो तेजस्वी ने बिहार के विकास की बात दोहराई है और इसके साथ ही ये भी कहा है कि भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिहार के नए शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने भी अपना कामकाज संभाल लिया है। आज सुबह ही शिक्षा विभाग के ऑफिस पहुंचकर उन्होंने इसकी औपचारिकताएं पूरी की। उनसे बातचीत की जी मीडिया संवाददाता आनंद अमृतराज ने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बिहार के नए शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी, जिन्होंने अभी कुछ देर पहले पदभार ग्रहण कर लिया, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद अशोक जी, बहुत बड़ी चुनौती है और खासकर बिहार की छवि जो बनती है शिक्षा के मामले में देश के दूसरे राज्यों में, वो छवि बदलेगी? बिल्कुल, छवि बदलेंगे। हम लोग, नई सरकार आई है, हमारे मुख्यमंत्री का प्रायोरिटी है एजुकेशन। पिछले सरकार ने भी काफी काम किया है एजुकेशन पर और उस काम को और तेजी लाना है और उसको और पुख्ता करना है। मैं समझता हूँ कि एक अच्छी टीम बना करके हम लोग एक अच्छा काम की शुरुआत करेंगे। क्या विजन है आपका शिक्षा की? दो बात है, हायर एजुकेशन और जो एक गवर्नमेंट स्कूल का परसेप्शन है, इन दोनों को हम चेंज करने का कोशिश करेंगे। मैं समझता हूँ कि वक्त लगेगा क्योंकि एक बड़ा विभाग है और काफ़ी यहाँ पर यूनियंस भी बहुत हैं, जिसका कि हमेशा यूनियन का एक डिमांड होता है। कुछ लोग मिले भी थे, हम समझते हैं कि अच्छा काम करने में हमको मदद मिलेगी लोगों से। शिक्षक की गुणवत्ता को लेकर कई बार सवाल खड़े होते हैं, तो इस बार भी आपका विभाग कुछ खास करने वाला है क्या? देखिए, कुछ लोग तो अपॉइंटेड हैं, उसको तो हम हटा नहीं सकते हैं तुरंत, लेकिन जो लोग हैं, जो नए लोगों को करना है, क्वालिटी कंट्रोल करने का क्या सिस्टम हम बना सकते हैं, जो हमारे पास व्यवस्था हमारी है, जो उसमें हम कैसे उसको और ठीक कर सकते हैं, जो लॉ परसेप्शन से जो सिस्टम है उसको हम लोग करेंगे। जो भी हमारे पास सीमित संसाधन है, उस संसाधन में हम कहते शिक्षा को बेहतर कर सकते हैं, उस दिशा में हम काम करेंगे। बिहार में जो प्राइवेट स्कूल है उसके ऊपर बने चलती है, कई बार खबरें आती हैं कि 25% उनको गरीब बच्चों का एडमिशन लेना, वो नहीं हो पा रहा, तो इसमें भी आपके पास फिक्स करेंगे? वो सब फिक्स करेंगे, वो सब ये होगा खड़े? बिल्कुल बिल्कुल फिक्स करेंगे, वो सब फिक्स करेंगे। जो सरकार द्वारा सिस्टम बना है, कानून बना है, उसका सख्ती से अनुपालन किया जाएगा, लेकिन इसका पालन अब तक नहीं हो पा रहा है। कोई बात नहीं है, सबका अलग अलग परसेप्शन है, प्रायोरिटी है, हमारी भी प्रायोरिटी है। तो ये बिहार के नए शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी, कैमरामैन निशांत के साथ आनंद अमृतराज, जी मीडिया पटना। तो अशोक चौधरी ने पदभार ग्रहण कर लिया है और जो चुनौतियां हैं उसको उन्होंने स्वीकार भी किया है और कहा है जल्द ही बेहतर नतीजे सामने आएंगे। बिहार के उत्पाद मंत्री अब्दुल जलील मस्तान ने भी अपना कार्यभार संभाल लिया। अब्दुल जलील ने साल 2016 तक बिहार में शराबबंदी करने के संकेत दिए। उत्पाद मंत्री से हालांकि जब बातचीत की गई तो उन्होंने साफ तौर पर संकेत दिया कि किस तरीके से शराब का असर देखा जा रहा है।
उत्पाद मंत्री से बातचीत की जी मीडिया संवाददाता आनंद अमृतराज ने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के नए उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री अब्दुल जलील मस्तान। सर, जो आपको नया विभाग मिला है, कितनी बड़ी चुनौती है इस विभाग में आपके लिए? ये चुनौती तो नहीं है, हम चाहेंगे कि हमारे विभाग के भी जो लोग हैं और फिर हमारा जो मुख्यमंत्री है, फिर उसका जो सोच है, और हम लोग सभी सोचों को एक साथ मिला करके आसानी से किसी मसले को हल कर लेंगे। इसमें चुनौती का सवाल नहीं है। इस विभाग में आपके लिए एजेंडा क्या रहेगा अगले 5 सालों के लिए? तो मैं पहले विभाग को देख लेता हूँ, थोरोली में जाऊँगा, फिर उसको मैं देहात से जोड़ूँगा। अगर ये विभाग हमारा जनहित के लिए अगर है तो ठीक है, नहीं तो जनहित के लिए मैं इसको सोचूंगा, इसको मैं टर्न भी दूंगा। ये जो विभाग है सर, बिहार में सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाला एक विभाग माना जाता है, और मुख्यमंत्री ने चुनाव के समय जनता से वादा किया था कि वो जब सरकार में आएंगे तो शराबबंदी करेंगे। देखिए, ये जो राजस्व की बात नहीं है, मैं एक बार पहले भी कहा कि ये सरकार जो है वो बनिए की दुकान नहीं है जो घाटा और नफा को जोड़े, और सरकार को जनहित के लिए करना चाहिए। बिहार की जनता के लिए अगर ये अच्छा है तो फिर रहे, अगर अच्छा नहीं है तो फिर इसके लिए जो मुख्यमंत्री सोचते हैं वैसा हमारा भी सोच है। तो ये कब तक होने की उम्मीद है सर? देखिए, हम लोग जल्दी ही सोचेंगे, क्योंकि अभी मार्च से पहले तो हम लोग इसमें, मार्च के बाद हम लोग इसको जो है ना, इसको हम लोग देखेंगे इसको। यानी कि मार्च के बाद बिहार में शराबबंदी हो सकती है? पहले कहा ना, हम पहले थोड़ा रीडिंग कर लें, उसके बाद मुख्यमंत्री से भी मैं बात करूंगा और फिर तब समय निर्धारित करूंगा। अभी उससे पहले, उससे मिले बगैर ये करना ठीक नहीं होगा मेरे लिए। लेकिन प्राथमिकता है आपकी? हाँ, जनहित के लिए मैं सोचूंगा, तो अगर जनता के लिए यह नुकसानदेह है तो ऐसी चीज़ों को बंद कर देना चाहिए। नहीं तो हम लोग जो अपने देहात में देखते हैं, जो गली गली में जो शराब की दुकानें हैं, इससे औरत बहुत प्रभावित है, उसका आंगन में रहना, घर में रहना उसके लिए मुश्किल हो जाती है। हम लोग जहाँ कहीं भी वोट के लिए गए, औरतों की तरफ से यही आया कि आपको वोट तो दूंगा लेकिन अगर सरकार में शामिल हो गए या फिर विधायक रहे तो शराब की जो बुराई है उस पर सोचना है, और ये तो जन जन में ये बुराई फैल गई है। और हम समझते हैं कि अगर सरकार जनहित के लिए कुछ नहीं सोचा तो आने वाला जनरेशन हमेशा के लिए अपंग होकर रह जाएगा, और गरीब लोग 10 टका कमाते हैं और पूरा उसमें 9 टका वो खर्चे कर देता है, घर में फाके की नौबत आ जाती है, अगर परिवार के लोग बोलते हैं तो उसको मारपीट करता है, सहना पड़ता है, बहुत बुराइयाँ इसमें है। हम लोग अपने घर के अगल बगल में देखते हैं भाई।